हेलो गाइस, दिस इज मुकेश मैगन, वेलकम टू मुकेश मैगन यूट्यूब चैनल। तो आज के जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है कैमरा रॉ फिल्टर मास्टर क्लास। मैंने जब एडिटिंग स्टार्ट किया था तो एक या दो साल मुझे लगे थे लगभग कैमरा फिल्टर को अच्छे से समझने में। हम क्या करते हैं, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, ब्लैक्स, शैडोज, उसी के साथ साथ कैमरा फिल्टर में और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ह्यू, सैचुरेशन, लुमिनेंस, नॉइस रिडक्शन, डिटेल, शार्पनेस, टेक्सचर। इन सभी चीज़ों का जब तक आपको डीपली मीनिंग नहीं पता है तब तक आप एक अच्छा एडिटर नहीं बन सकते, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के अंदर कैमरा फिल्टर को हम डीपली देखने वाला है, स्टार्ट से लेकर एंड तक सारी चीज हम क्लियर करेंगे। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैमरा फिल्टर ऑप्शन कहाँ पे होता है। सबसे पहले डायरेक्टली फिल्टर इस मेनू के ऊपर जाना है और वहाँ से कैमरा रॉ फिल्टर इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे कैमरा फिल्टर का ऑप्शन ओपन हो रहा है। आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में इस तरीके से वर्टिकल सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं। तो अगर आपका कैमरा फिल्टर पुराना वर्जन है तो लेफ्ट टू राइट भी आपको दिखा सकता है। और अगर आपको नया वाला कैमरा फिल्टर इंस्टॉल करना है, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, या फिर कोई भी लेटेस्ट वर्जन, तो उसको कैसे इंस्टॉल करना है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैमरा फिल्टर का स्ट्रक्चर क्या है। यह है प्रीव्यू, मतलब आप जो भी करोगे वो कैसा दिखने वाला है यहाँ पे दिखाएगा। नीचे लेफ्ट साइड में कुछ जूम के ऑप्शन है, अगर आपको फोटो को जूम करना है या फिर फिट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। राइट साइड में ऊपर यहाँ पे आपको टूल्स मिलेंगे। यह है हिस्टोग्राम, जो आपको दिखाता है कि फोटो डार्क हो रहा है, ब्राइट हो रहा है, और इसके नीचे सारे एडजस्टमेंट के ऑप्शन है जिसके थ्रू आप एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिस्टोग्राम। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस हिस्टोग्राम का यूज़ क्या होता है। कई बार क्या होता है कि हम जब भी स्क्रीन के ऊपर एडिटिंग करते हैं तो समझो हमारे स्क्रीन का ब्राइटनेस ज़्यादा है तो हमें लगेगा कि फोटो ब्राइट हो रहा है, बट एक्चुअल में वो ब्राइट नहीं हो रहा है, वो स्क्रीन के ब्राइटनेस की वजह से ज़्यादा लग रहा है। या फिर कई बार ऐसा हो सकता है कि आप किसी विंडो के सामने बैठे हो और विंडो का रिफ्लेक्शन आपके स्क्रीन के ऊपर गिर रहा है तो फोटो ब्राइट हो रहा है कि डार्क हो रहा है आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो उस टाइम पे या फिर किसी भी सिचुएशन में एग्जैक्ट फोटो कैसा है वो देखने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब इसका और एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं किसी रूम के अंदर बैठा हुआ हूँ और मेरे सारे वॉल्स जो है वो व्हाइट है, तो व्हाइट दीवारों की वजह से मेरा स्क्रीन ज़्यादा ब्राइट हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, और उसी के अंदर समझो मेरा स्क्रीन का ब्राइटनेस ज़्यादा है तो एक्चुअली मुझे कैसा लगेगा कि मेरा स्क्रीन, मतलब मेरा जो फोटो है वो ब्राइट है, पर जब मैं फ़ोन के अंदर लूँगा तो वो हल्का सा डल दिखेगा क्योंकि स्क्रीन के ज़्यादा ब्राइटनेस की वजह से वो ब्राइट लग रहा था, वो फोटो ब्राइट नहीं था। तो किसी भी ऐसे सिचुएशन के अंदर अगर आपको एग्जैक्टली पता करना है कि फोटो कैसा है तो ऐसे सिचुएशन में हिस्टोग्राम आपकी बहुत सारी हेल्प करेगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले बता दो कि हिस्टोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले जिस तरीके से मैं माउस स्क्रॉल कर रहा हूं, यहां पे अलग अलग बॉक्स या फिर सेक्शन दिखाई दे रहे। सबसे पहला जो सेक्शन है इसे बोलते हैं ब्लैक्स। ये शो करता है कि आपके फोटो के अंदर पूरा ब्लैक पार्ट कितना है। देख सकते हो ये जो ग्राफ है बहुत ऊपर जा रहा है, मतलब ये आपको बता रहा है कि आपके फोटो के अंदर ब्लैक अमाउंट बहुत ज्यादा है। देखिए, उसके बाद में ये होता है शैडो, तो ये आपको दिखा रहा है कि आपके फोटो के अंदर शैडो कितना है। तो देखते हो शैडो इतना ज्यादा नहीं है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये ब्लैक है, ठीक है। अब इसके ऊपर भी अगर आपको ब्लैक, शैडो, हाईलाइट, मिडटोन, ये क्या होता है इसके ऊपर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा हुआ है, अगर वो भी चीज़ आपको और भी डीप में सीखनी है तो वो वाला वीडियो आप देख सकते हो। उसके बाद में ये है मिडटोन। मिडटोन मतलब जो पार्ट सही होता है, जो ब्राइट भी नहीं है, डार्क भी नहीं है, तो वो पार्ट बहुत कम है, देख सकते हो आप यहाँ पे। मतलब क्या है, देखिए मैं यहाँ पर जूम कर रहा हूँ, ये स्किन है मेरी, ये मिडटोन के अंदर आएगी क्योंकि ये नहीं तो ब्राइट है नहीं तो डार्क है, मतलब ठीक है, ओके। उसके बाद में ये वाला पार्ट होता है हाईलाइट। अब यहाँ पे ग्राफ थोड़ा सा अप हो रहा है, मतलब ये ग्राफ आपको बता रहा है कि आपके फोटो के अंदर हाईलाइट ज़्यादा है। उसके बाद में लास्ट वाला पॉइंट है व्हाइट, ये बताता है व्हाइट पार्ट, आपके फोटो के अंदर व्हाइट पार्ट कौन सा है वो शो करने के लिए ये आपको राइट साइड का पार्ट रहेगा, ठीक है। अब मैं इस फोटो को थोड़ा जूम आउट करता हूँ। अब समझो मुझे यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, या फिर कई बार ऐसा होता है ना कि नए एडिटर होते हैं तो उनको पता नहीं चलता कि इस फोटो में क्या करूँ, तो सिंपल आपको क्या करना है, लाइट का ऑप्शन ओपन कर देना है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, व्हाइट ज़्यादा हो रहा है राइट साइड में, तो मैं क्या करूँगा, ये जो व्हाइट है इसको कम करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हाईलाइट है, तो हाईलाइट को भी मैं कम कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि ये ब्लैक ज़्यादा है, तो ये जो ब्लैक्स है इसको थोड़ा सा ब्राइट कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो इतना एडजस्टमेंट किया, अब मैं हाईलाइट को थोड़ा और कम कर रहा हूँ, ओके। अभी मैं आपको बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ। ये था बिफोर, बहुत ज़्यादा डार्क और फेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रहा था, तो ये अभी थोड़ा सा बैलेंस्ड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे फोटो एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि हिस्टोग्राम का यूज़ किस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा एक सिचुएशन है जिसके अंदर आपका हिस्टोग्राम सही से काम नहीं करेगा। एक सिचुएशन बताता हूँ, पहले सबसे पहले इसको ओके कर लेता हूँ, एक दूसरा फोटो ओपन कर रहा हूँ,
अब मैंने यहाँ पे कोई और फोटो ओपन कर लिया, अब मैं वापस कैमरा फिल्टर के अंदर जा रहा हूँ। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हिस्टोग्राम बता रहा है कि ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट ये ब्लैक कलर कोई डार्क नहीं हो रहा है, ये एक्चुअली हमारे ड्रेस का एक्सपोजर वो बता रहा है, मतलब ड्रेस ब्लैक है वो दिखा रहा है कि यहाँ पे ब्लैक हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप ब्लैक को ब्राइट करने जाओगे, शैडो को बढ़ाने जाओगे, तो ड्रेस आपका ख़राब हो जाएगा। देखिए यहाँ से शैडो हट चुका है लेकिन हमारा फोटो ख़राब हो चुका है। तो इस तरीके से आँख बंद करके हिस्टोग्राम को यूज़ नहीं करना है, वो हिस्टोग्राम एक्चुअली कौन सी चीज़ दिखा रहा है वो आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए हाँ, ये मेरा स्काई जो है वो व्हाइट है, अब एक्चुअली ये ब्राइट नहीं हो रहा है, वो स्काई ही व्हाइट है। तो हिस्टोग्राम क्या करेगा, देखिए ये बताएगा कि व्हाइट पार्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, देखिए ठीक है। हाँ, तो ऐसे सिचुएशन में आप थोड़ा सा व्हाइट और हाईलाइट कम कर सकते हो, लेकिन फिर भी ज़्यादा दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो एक्चुअल में व्हाइट ही है, वो एक्सपोजर ब्राइट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सिंपली आप एडिटिंग के लिए, एक्सपोजर को पता करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है कि वो पार्ट फोटो के अंदर कहाँ पे है। तो ये तो हो गया हमारा हिस्टोग्राम। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा लाइट पैनल। आपके कैमरा फिल्टर के अंदर हो सकता है कि इसका नाम बेसिक भी हो, तो या तो बेसिक नाम होगा या फिर लाइट नाम होगा। मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, अब आपके सामने कुछ ऑप्शंस ओपन हो रहा है। हाँ, हो सकता है कि आपके अंदर यहाँ पे टेम्परेचर टिंट वगैरह दिखा रहा है, बट वो यहाँ पे है, देखिए नीचे है, ठीक है। तो लाइट वाला बॉक्स मैंने ओपन कर लिया। अब हम अच्छे से समझते हैं कि एक्सपोजर क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, हाईलाइट क्या होता है, शैडो क्या होता है, व्हाइट, मतलब हर चीज़ को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है एक्सपोजर। क्या है एक्सपोजर? तो एक्सपोजर मतलब क्या है, आपके फोटो के अंदर जो भी पार्ट है, डार्क पार्ट हो, ब्राइट हो, हर एक पार्ट का लाइट जो है वो बढ़ेगा, या फिर हर एक पार्ट का एक्सपोजर बढ़ेगा। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर एक्सपोजर को बढ़ा रहा हूँ, तो जो ब्लैक है वो भी ब्राइट हो रहा है, जो ब्राइट है वो भी ब्राइट हो रहा है, हर एक चीज़ ब्राइट हो रही है। तो इसका यूज़ कब करोगे, जब ओवरऑल फोटो आपका डार्क हो रहा है, उस टाइम पे एक्सपोजर बढ़ा के हम उस फोटो को सही कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपको पूरा फोटो नहीं करना है, सिर्फ डार्क पार्ट को ब्राइट करना है, तो हम यूज़ करेंगे शैडो। देखिए फोटो के अंदर जो डार्क पार्ट है वही ब्राइट हो रहा है, और इसके अपोजिट जब आपको सिर्फ ब्राइट पार्ट को एडजस्ट करना है, ये ब्राइट पार्ट है, तो तब हम यूज़ करेंगे हाईलाइट। देखिए समझ गए, तो आई होप आपको शैडो, हाईलाइट और एक्सपोजर का मतलब समझ में आ गया होगा। अब जरा दूसरा फोटो के ऊपर भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब ये फोटो ओपन कर रहा हूँ, कैमरा फिल्टर में जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए एक्सपोजर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, ओवरऑल फोटो पूरा ब्राइट डार्क होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए सिर्फ मुझे लग रहा है कि ड्रेस को थोड़ा सा ब्राइट करना है, पूरा ब्राइट करूंगा तो स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी। तो पूरा फोटो ब्राइट करना है तो एक्सपोजर, सिर्फ डार्क पार्ट को ब्राइट करना है। देखो मैं आपको समझाने के लिए वो वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, डार्क पार्ट को ऐसा नहीं बोल सकता, एक्चुअली वो शैडो है, सिर्फ जिस लैंग्वेज में आपको अच्छे से समझ आएगा वो लैंग्वेज में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ड्रेस को थोड़ा सा ब्राइट करना है, तो ड्रेस एक डार्क पार्ट है, तो शैडो को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, डार्क पार्ट ब्राइट हो चुका है, लेकिन फेस बहुत ज़्यादा अभी ब्राइट लग रहा है और ये भी ब्राइट लग रहा है, तो ब्राइट पार्ट को एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हाईलाइट को कम करेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद में है ब्लैक और व्हाइट, ये कॉन्ट्रास्ट बाकी है, लास्ट में बताऊंगा। व्हाइट और ब्लैक, आपके पूरे फोटो के ऊपर हल्का हल्का सा व्हाइट ग्लो होता है, व्हाइट लाइट होता है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब आपको लगेगा हाँ व्हाइट एडजस्ट करेंगे तो व्हाइट कलर होगा, ऐसा है, लेकिन समझो ये ड्रेस है, लेकिन इसके ऊपर भी व्हाइट व्हाइट अमाउंट होता है। देखिए जैसे मैं व्हाइट कम ज़्यादा कर रहा हूँ, देखिए ड्रेस के ऊपर भी थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, हो सकता है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ रहा है। देखो व्हाइट को कम कर रहा तो स्किन के ऊपर का ग्लो कम ज़्यादा हो रहा है, तो प्रैक्टिकली मैं व्हाइट को यूज़ करूँगा ग्लो ऐड करने के लिए। किसके क्या ऐड करने के लिए, ग्लो ऐड करने के लिए। देखिए अब मैं इस फोटो के ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है, कोई और फोटो ले लेता हूँ सबसे पहले। देखिए अब मैं जैसे ही व्हाइट बढ़ाऊंगा फोटो पे मेरे ग्लो आ जाएगा, देखिए। ओके, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि व्हाइट को सिर्फ ग्लो ऐड करने के लिए यूज़ करो, ठीक है। ओके, उसके बाद में ब्लैक। कई बार क्या होता है कि हमारा फोटो बहुत काला काला, बहुत ओवर डार्क लगने लगता है, तो उस टाइम पे क्या हुआ है, ब्लैक जो है वो बहुत डार्क हो चुका है, तो ऐसे टाइम पे ब्लैक को सिर्फ बढ़ाओ, आपके फोटो का जो कालापन है पूरा कम हो जाएगा। हो सकता है कि थोड़ा सा हाईलाइट बढ़े, उस टाइम पे आप हाईलाइट कम कर सकते हो, लेकिन फ़र्क देखिए, ये है बिफोर, ये आफ्टर, ये कितना फ्रेश लग रहा है, ये बहुत डार्क लग रहा था। अब और एक फोटो के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ जो बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है, ब्लैक ब्लैक लग रहा है। देखिए ये फोटो भी बहुत ब्लैक ब्लैक लग रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप ब्लैक को ब्राइट करो, ठीक है। ओके, देखिए शैडो भी है उसके अंदर, हाईलाइट थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। ओके, अब देखिए बिफोर आफ्टर, ये है बिफोर, ये है आफ्टर, समझ गए। ओके, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कॉन्ट्रास्ट। अब कॉन्ट्रास्ट देखिए, अब यहाँ पे है कॉन्ट्रास्ट। अब कॉन्ट्रास्ट का एक्चुअली, जब कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट करोगे तब क्या होगा ये बता दूँ, जब भी आप कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते हो तो आपका ब्लैक पार्ट और ब्लैक होगा,
व्हाइट पार्ट और व्हाइट होगा और आपके फोटो के जो कलर्स है वो थोड़े से बूस्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए मैंने क्या बताया, पूरा कम कर रहा हूँ। अब देखिए, जैसे आप कॉन्ट्रास्ट बढ़ा रहे हो तो ब्लैक पार्ट और ब्लैक होगा, मतलब फोटो डार्क होगा आपका, ब्लैक पार्ट और ब्लैक होगा, व्हाइट पार्ट और व्हाइट होगा और कलर भी थोड़े से बूस्ट होंगे। तो इसका यूज़ कब करोगे, जब आपका फोटो फीका फीका लग रहा है उस टाइम पे हम इसको बढ़ाएंगे ताकि फोटो के अंदर थोड़ी सी डेप्थ आए, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो। ठीक है, देखिए जैसे कि ये फोटो थोड़ा सा फीका लग रहा है तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाऊंगा तो सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में समझो तो आपको थोड़ा सा शैडो लग रहा है, शैडो को एडजस्ट करो, हाईलाइट को एडजस्ट करो, लेकिन फोटो के अंदर डेप्थ आ जाएगा। देखिए ये फीका फीका लग रहा था, ये अभी थोड़ा सा सही लग रहा है। तो इस तरीके से फोटो के अंदर डार्क पार्ट को और डार्क करने के लिए, ब्राइट पार्ट को और ब्राइट करने के लिए हम कॉन्ट्रास्ट को यूज़ करेंगे। समझ गए यहाँ तक? एक बार फिर से बता दूँ, एक्सपोजर का मतलब क्या है, पूरे फोटो का लाइटिंग कम ज़्यादा करने के लिए। कॉन्ट्रास्ट का यूज़ क्या है, ब्लैक और ब्लैक होगा, व्हाइट और ब्राइट होगा। तो इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे फोटो फीका फीका लग रहा है वहाँ पे हम डार्क करने के लिए यूज़ करेंगे। फोटो के अंदर सिर्फ ब्राइट पार्ट को एडजस्ट करना है तो हाईलाइट को एडजस्ट करेंगे हम, डार्क पार्ट को एडजस्ट करना है तो शेडो को करेंगे, फोटो के ऊपर ग्लो कम ज़्यादा करना है तो व्हाइट को यूज़ करेंगे, फोटो के अंदर ब्लैक का अमाउंट ज़्यादा हो रहा है तो हम ब्लैक्स को यूज़ करेंगे। समझ गए? फिर मैं आता हूँ नीचे टेम्परेचर के अंदर। अब टेम्परेचर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, टेम्परेचर और टिंट। अब इसको यूज करने के लिए मैं आपको दूसरा फोटो ओपन कर रहा हूं। ओके, अब देखिए कैमरा फिल्टर के अंदर कलर पैनल के अंदर पहला ऑप्शन है टेम्परेचर। अब ये एक्चुअली बहुत ज्यादा डीप कंसेप्ट है, मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। देखिए आपके फोटो के अंदर क्या हो रहा है, येलो टोन ज्यादा हो रहा है, फोटो वार्म हो रहा है, तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, उसके अपोजिट जो टोन है उसमें ऐड कर देना है, वो फोटो सही हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझो आपके पास में गर्म पानी का एक बाल्टी है, ठीक है, तो आपका वो गर्म क्या करना है, कम करना है, ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे उसके उल्टा जो ठंडा पानी है हम उसके अंदर ऐड करते हैं। समझ गए? एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। समझो मेरे पास गर्म पानी है, मुझे वो गर्म नहीं चाहिए, तो उसका जो अपोजिट है, जैसे कि ठंडा पानी, मैं जैसे जैसे उसमें ऐड करता जाऊँगा तो वो जो उसका गर्म पना है, मतलब उसका जो मतलब गर्मी है वो कम होगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो है येलो हो रहा है, येलो के अपोजिट होता है ब्लू, तो मैं क्या करूँगा इस कर्सर को मैं ब्लू की तरफ लेके जाऊँगा, वो येलो कम होगा। देखिए समझ गए? अब वापस उस एग्जांपल के ऊपर आता हूँ। समझो बाल्टी के अंदर पानी है गरम, आप ठंडा डाल रहे हो, ठीक है, तो गरम तो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा डालोगे तो पूरा ठंडा हो जाएगा। तो देखिए ये फोटो वार्म है तो थोड़ा सा टेम्परेचर मैं कम कर रहा हूँ तो ये फोटो नॉर्मल होगा, लेकिन बहुत करोगे तो वो ब्लू हो जाएगा। समझ गए? फोटो के जो कलर टोन है उसको एडजस्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका यूज़ आप अपोजिट भी कर सकते हो, जैसे कि समझो आपको इस फोटो के ऊपर पर्पल टोन देना है, मेजेंटा टोन देना है, तो इसको मेजेंटा की तरफ लेके जाओगे तो फोटो स्किन के ऊपर थोड़ा सा मेजेंटा टोन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आपके फोटो के ऊपर कलर टोन आ रहा है उसके अपोजिट लोगे तो वो कम होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको यूज़ करने वाले, ठीक है। उसके बाद में है वाइब्रांस। क्या है वाइब्रांस? अब वाइब्रांस और सैचुरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना, ठीक है। अब मैं आपको मेरी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस फोटो को मैं कैमरा फिल्टर के अंदर ओपन कर रहा हूँ। देखिए जब मैं सैचुरेशन बढ़ाऊंगा तब क्या होगा, देखो फोटो के अंदर जो सारे कलर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है, सारे कलर्स बढ़ रहे हैं, तो जब सैचुरेशन बढ़ाओगे तो एक्चुअली क्या होगा, अमाउंट ऑफ कलर आपका बढ़ेगा, आपके जो कलर का अमाउंट है वो बढ़ेगा, और इसके उल्टा जब भी आप कम करोगे तो फोटो के कलर्स कम कम होंगे, और जब पूरा कम करोगे तो फोटो के सारे कलर्स निकल जाएंगे, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली ये क्या कर रहा है, कलर को बढ़ा रहा है या फिर कलर को कम कर रहा है। लेकिन वाइब्रांस भी सेम ही काम करेगा, लेकिन इसके अंदर फर्क है। वाइब्रांस ज़्यादा इफेक्ट उस पार्ट के ऊपर देगा जो कि कलर आपको ज़्यादा दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर रेड कलर का सैचुरेशन ज्यादा दिख रहा है, तो जैसे मैं वाइब्रांस बढ़ा रहा हूं, देखिए रेड और ग्रीन का ज्यादा बढ़ रहा है, स्किन का ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि वो कलर ऑलरेडी ज्यादा है। समझ गया? देखिए फिर से एक बार बताऊं, समझो अभी मुझे फोटो को कलरफुल बनाना है तो मैंने सैचुरेशन बढ़ाया, तो सैचुरेशन समझो मैं यहां तक बढ़ा रहा हूं 60 तक, ठीक है। तो 60 तक जब बढ़ा रहा हूँ तो स्किन कितना ख़राब हो रहा है देखिए, क्योंकि ये सारे कलर को बढ़ाएगा। लेकिन सेम सिचुएशन पे अगर मैं 60% तक वाइब्रांस बढ़ाऊंगा, देखिए मेरे फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, लगभग बहुत कम इफेक्ट हुआ, बाकी सारा इफेक्ट मेरे नेचर के ऊपर पड़ रहा है। तो इसका यूज़ कहाँ पे करोगे, देखिए समझो मैं कोई फोटो एडिट कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे उस फोटो को थोड़ा कलरफुल करना है। समझो मैं इस फोटो को एडिट कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि ड्रेस का कलर थोड़ा फीका लग रहा है, इसको बढ़ाना है, तो ऐसे टाइम पे मैं क्या करता हूँ, हाँ तुम कलर मिक्सर के अंदर से स्पेसिफिक कलर भी बढ़ा सकते हो, लेकिन अभी तक उस पॉइंट पे हम नहीं आए हैं, ठीक है। तो जैसे मैं वाइब्रांस बढ़ा रहा हूँ, देखिए सिर्फ ड्रेस का कलर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, उसके लिए स्पेशली मुझे नीचे कलर के अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए जो कलर ज़्यादा दिख रहा था वही ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। इसका यूज़ और एक आएगा, देखिए जब भी आपके फोटो के अंदर कोई भी कलर, एक ही कलर ज़्यादा हो रहा है उस टाइम पे भी ये काम आएगा, जैसे कि
अब इस फोटो के अंदर क्या हो रहा है, देखिए ड्रेस का कलर और ये जो वार्म वार्म कलर है वो ज़्यादा हो रहा है, तो मैं सिर्फ वाइब्रेंस को कम करूँगा, जो ज़्यादा कलर है वही कम हो जाएगा, स्किन के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए। तो ये हो गया हमारा कलर पैनल, ठीक है। तो आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो बहुत बड़ा बन सकता है, तो यहाँ तक मैंने सिर्फ दो पैनल को एक्सप्लेन किया अच्छे से। तो अगर आप चाहते हो कि इस पार्ट को मैं कंटिन्यू रखूँ, तो ये है हमारा पार्ट नंबर वन वीडियो। तो इसका जो पार्ट नंबर टू है बहुत ही जल्दी मैं अपलोड करूँगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को पहले लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ कि आपको किस तरीके से समझ आ रहा है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि बहुत डीप हो रहा है, कि मतलब कुछ भी डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ और इस वीडियो को लाइक करो ताकि मैं इसका पार्ट टू बनाऊं। ओके, तो सीधा मिलते हैं हमारे पार्ट नंबर टू के अंदर।